एम्बुलेंस में बिठाया और निकल पड़े नवसारी की ओर। मेरे साथ कोई नहीं आया, मुझे बहुत बुरा लगा। सिर्फ मैं, ड्राइवर और क्लीनर। मैं पीछे अकेला था। मैंने क्लीनर को बोला कि आप पीछे आ जाइए। क्लीनर ने बोला अंधेरा काफ़ी है, मुझे साइड देखनी पड़ेगी। एम्बुलेंस काफ़ी पुरानी थी, इस वजह से सुविधा की कमी थी, उसमें बॉडी स्ट्रैप्स तक नहीं थे, तो इस वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब भी मोड़ आता तो बॉडी एक तरफ लुढ़क जाती थी। बॉडी को तो मैंने कैसे करके भी संभाल लिया, दोनों हाथ से मैंने पकड़ लिया, लेकिन बहना पैर था जो वी शेप जैसा हो गया था, वो एक तरफ लुढ़कता था तो काफ़ी दर्द होता था, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने क्लीनर को आवाज़ लगाई, क्लीनर आए, मैंने पूछा मलम वलम है तो लगा दो, काफ़ी दर्द हो रहा है। वो बोले साहब मलम तो नहीं है, तो उसने एक कार्डबोर्ड दोनों पैरों के बीच डाल लिया ताकि पैर लुढ़के नहीं। थोड़ा आराम मिला, लेकिन दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा था। मुझे लग रहा था कि पेन किलर इंजेक्शन का असर कम हो रहा था। मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो मैंने ड्राइवर को बोला कि रास्ते में कोई मेडिकल स्टोर आए तो मेडिकल स्टोर में से मलम ले लेना। लेकिन रात के 9:30 बज गए थे, जंगल का इलाका था, सब कुछ बंद। तब मुझे एहसास हुआ कि 2-3 घंटे यही दर्द में बिताने हैं, ये दर्द में तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। तब मैंने सोचना शुरू किया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने मेरा आइंस्टाइन दिमाग लगाया। मैंने क्लीनर को पूछा कि रस्सी वस्सी जैसा कुछ है? क्लीनर बोले रस्सी तो नहीं है, मलहम पट्टी का रोल है। मैं बोला चलेगा, आप एक काम कीजिए, मलहम पट्टी को रोल को बड़ा कीजिए और उसे मेरे बहने पैर से बांध दीजिए, एक छोर को एक तरफ और दूसरी छोर को दूसरी तरफ। लॉजिक ये था कि पैर को दोनों तरफ से सहारा मिल जाए, अगर बहनी तरफ मुड़े तो दाहिनी तरफ से और दाहिनी तरफ मुड़े तो बाहिनी तरफ से। काफ़ी हद तक राहत मिल गई, दर्द था लेकिन मैं सहन कर पा रहा था। अब और कोई चारा नहीं था, दिमाग को जीरो किया और नवसारी आने की राह देखने लग गया, आंखें बंद कर ली। बंद आंखों में अजीब सा अंधेरा था, लेकिन अचानक से आंखों में रोशनी पड़ने लग गई। मुझे पता चल गया कि नवसारी आ गया। फिर भी मैंने क्लीनर को पूछा, तो क्लीनर ने बोला कि हाँ साहब नवसारी आ गया। अस्पताल पहुँचे, जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला एकदम सी रोशनी आने लग गई, सारे दोस्त मेरे सामने खड़े थे।